हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे फाइल इंफॉर्मेशन और मूव टू ट्रैश फीचर की, जो हमें माई ड्राइव के अंदर मिल जाता है। सो माई ड्राइव के अंदर जब हम जाते हैं तो फोल्डर्स में हमें ये ऑप्शन मिलते हैं जो कि है फाइल इंफॉर्मेशन। फाइल इंफॉर्मेशन में हमें डिटेल्स मिलते हैं फाइल के बारे में, जैसे कि हमको ये समझ में आता है कि फाइल किस टाइप का है, ओके, फाइल का टाइप क्या है, लोकेशन, ओनर कौन है, किसने फाइल बनाया है और बाकी सारे डिटेल्स, मॉडिफाइड कब ओपन हुआ था, क्रिएट कब हुआ था, डाउनलोड परमिशंस क्या है इसके। सो ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिलते हैं डिटेल्स के अंदर, जो हमें दिख जाते हैं फाइल के फोल्डर के बारे में। सो फोल्डर के बारे में जितनी जानकारी होती है वो हमें यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा अगर हम एक्टिविटी में जाएं तो यहाँ पे हमें एक्टिविटीज दिख जाते हैं कि इस फोल्डर के अंदर जो जो अलग अलग एक्टिविटीज हुए हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए थे, क्रिएट हुए थे, वो सारा डिटेल्स हमको यहाँ पे मिल जाता है। सो ये सारे ऑप्शंस रहते हैं हमारे डिटेल्स के अंदर जो हमें दिखते हैं स्पेसिफिकली। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आइडियली दूसरे जो ऑप्शंस हमें मिलते हैं यहाँ पे वो हो जाते हैं फाइल इंफॉर्मेशन के अंदर एक्टिविटी, जो हमने अभी देखा, और फिर हम सर्च भी कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हम सर्च करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सर्च भी कर पाते हैं डायरेक्टली। सीधा ये हमको लेके जाता है फोल्डर के अंदर और हम उसके अंदर के सारे डिटेल्स, फाइल्स को एक्सेस कर पाते हैं। सो ये सारे ऑप्शंस रहते हैं स्पेसिफिकली जो फाइल इंफॉर्मेशन ऑप्शन है हमारा यहाँ पे। इसके आगे जाएं तो मिल जाता है मूव टू ट्रैश। मूव टू ट्रैश के केस में हम इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ट्रैश सेक्शन में मूव कर सकते हैं, जो कि जहां पे हम डिलीट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पे ट्रैश में ये डॉक्यूमेंट 30 दिन तक रहता है, उसके बाद कंप्लीटली ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है यहाँ से। सो वो ऑप्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हमको इसको वापस अपने माई ड्राइव में मूव करना रहता है तो हम इसको वापस यहाँ से मूव भी कर सकते हैं रिस्टोर करके। सो इस तरीके से वापस फोल्डर हमारे मेन फोल्डर में आ जाता है, मेन होम पेज पे आ जाता है। तो इस तरह हम ट्रैश को यूज कर सकते हैं जहां पे हमें कोई डॉक्यूमेंट जो हमें जरूरत नहीं है उसको हम ट्रैश पे मूव करके बाद में उसे परमानेंटली डिलीट कर पाते हैं। आई होप दिस मेक सेंस, सबको समझ में आया ये दो ऑप्शंस जो हम देख पा रहे हैं फाइल इंफॉर्मेशन और मूव टू ट्रैश फोल्डर्स के अंदर। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग इन टू दिस सेशन टूडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।